Hello students, I am your maths teacher Anju Verma. Today we will start our new topic practical geometry. This is chapter number 4. Last chapter number 3 में हमने सीखा कि polygons क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, उनकी क्या properties होती हैं. इस chapter में हम ये सीखेंगे कि quadrilaterals को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से उनको draw किया जाता है. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं वो चैप्टर नंबर 4 यानी कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के क्या हैं. देखिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटर फॉर द गिवन सेट साइड्स एंड एंगल्स. सबसे पहले इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि क्वाड्रिलेटर्स को किस तरह से बनाना है उसकी दी हुई भुजाओं के द्वारा और एंगल्स के द्वारा, साइड्स के द्वारा और एंगल्स के द्वारा. सेकेंड स्टेप यानी कि कंस्ट्रक्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर. कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, क्या होते हैं और उनको किस तरह से ड्रॉ किया जाता है. आइए चलते हैं कंस्ट्रक्ट ऑफ ए क्वाड्रिलेटर. आइए आप समझेंगे. सबसे पहले अगर आपको कोई भी एक डायगनल और फोर साइड्स और वन डायगनल जो है वो दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में आपको किस तरह से कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो है वो ड्रॉ करना है. सबसे पहले देखिए, हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं. कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल आर ई एन टी इन विच आर ए इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर एंड ई एन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड टी इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर टी आर इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर एंड डायगनल आर एन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. बच्चे, आपको जो भी मेजरमेंट्स दी हुई हों, जिन भी साइड्स की डायगनल्स की दी हुई हों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी आपको एक रफ स्केच बनाना है, चाहे जैसे भी पॉसिबल हो. तो मैंने अपनी तरफ से बनाया है. देखिए, आर ई मुझे दिया हुआ था 5.6 सेंटीमीटर, फिर मैंने ई एन लिया है 5 सेंटीमीटर एंड एन टी मैंने लिया है 6.2 सेंटीमीटर, टी आर 4.4 सेंटीमीटर एंड वन डायगनल यानी कि आर एन जिसकी मेजरमेंट मुझे दी हुई है 8 सेंटीमीटर. अब हम कंपास की मदद से करेंगे. देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि एक लाइन सेगमेंट आर एन जो कि हमें क्या दिया हुआ है, डायगनल दिया हुआ है, वो मैंने ड्रॉ कर लिया है. अब सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगी, टेकिंग आर एज द सेंटर. अब आर को मैं सेंटर मानते हुए क्या करूँगी, आर टी यानी कि मैं अपने कंपास की नीडल को 0.4 पर रखते हुए और 4.4 सेंटीमीटर अपने कंपास को खोल कर एक आर्क लगाऊंगी. ठीक है, जिसकी मेजरमेंट कितनी रहेगी, 4.4 सेंटीमीटर. क्लियर है. अब नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग एन एज द सेंटर. अब एन को अब मैं सेंटर मानते हुए एन टी इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर एस रेडियस. अब मैं अपने कंपास की निडल को पॉइंट एन पर रखते हुए सेकंड आर्क लगाऊंगी. ठीक है, वो कितनी रहेगी, 6.2 सेंटीमीटर. अब मैं क्या करूंगी, आर टी एंड एन टी को क्या करूंगी, ज्वाइन कर दूंगी. सेम एज आगे बढ़ेंगे, टेकिंग आर अब आर को सेंटर लेते हुए आर ई यानी कि हम अपनी कंपास की नीडल को क्या रखेंगे, अब आर पर रखेंगे और अपने कंपास को 5.6 खोलकर एक आर्क लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, लाइक दिस. क्लियर है. अब पॉइंट एन, अब एन को हम क्या करेंगे, सेंटर मानकर एक और आर्क लगाएंगे जिसकी मेजरमेंट मुझे दी हुई है एन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब दोनों ही आर्क जो हैं एक दूसरे को कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ई पर. अब मुझे क्या करना है, आर ई और ई एन को एक दूसरे से मैच करना है, ज्वाइन करना है. तो इस तरह से मुझे आर ई एन टी
एक रिक्वायर्ड जो है वो क्वाड्रिलेटरल मिल चुका है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन है व्हेन थ्री साइड्स एंड टू डायगोनल्स आर गिवन। देखिए, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा आ जाए कि आपको थ्री साइड्स दे रखी हों और कोई भी मतलब इनकी टू डायगोनल्स दिए हुए हों, तो उस कंडीशन में आपको एक क्वाड्रिलेटर को किस तरह से ड्रॉ करना है, बनाना है। देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वेयर इन ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड बी डी इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको कहा था कि आपको जो भी मेजरमेंट्स दी हुई हों उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे कि कोई भी इनके एक रफ स्केच बना लेंगे, कुछ भी ड्रॉ करेंगे उसके साथ। देखिए, मुझे दिया हुआ है ए बी 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। उसके बाद मुझे बी सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, फिर मुझे डी ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब मुझे जो ए सी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। एंड बी डी इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, बी डी मुझे कितना दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर, और मैंने सी ओ डी को एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया है, क्लियर है। आइए अब बनाते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि ड्रो ए लाइन सेगमेंट ए बी 7 सेंटीमीटर। अब मैंने रूलर की हेल्प से ए बी 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रो किया है, क्लियर है। अब ए एंड बी आर सेंटर्स, ए और बी दोनों के दोनों क्या हैं, इसके सेंटर पॉइंट हैं। अब मुझे क्या करना है, एंड रेडी 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। रेडी 4 सेंटीमीटर एंड 5.7 सेंटीमीटर, क्लियर है। देखिए, अब मुझे क्या करना है कि ड्रॉ आर्क इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट टी। मैंने क्या किया है कि सेंटर ए और सेंटर बी से कंपास की हेल्प से, पहले मैंने क्या किया है कि सेंटर ए पर कंपास के नीडल को रखते हुए 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई है। सेकंड, मैंने बी को सेंटर लेते हुए 5.7 सेंटीमीटर की कंपास को खोलते हुए नीडल को मैंने कहाँ रखा है, बी पॉइंट पर, और एक आर्क लगाई है। ये दोनों ही की दोनों आर्क जो हैं कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, पॉइंट डी पर, क्लियर है। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगेन विथ ए एंड बी एज सेंटर, अब ए और बी की ही हेल्प के साथ मैंने क्या करना है, इनको दोनों को ही सेंटर लेते हुए रेडियस कितनी लेनी है, 8 सेंटीमीटर लेनी है और 5 सेंटीमीटर लेनी है, ठीक है। देखिए, अब अपने कंपास के नीडल को पॉइंट ए पर रखते हुए और रूलर के हाथ से 8 सेंटीमीटर उसको ओपन किया है और एक आर्क लगाई है मैंने यहाँ पर, क्लियर है। सेम एज पॉइंट बी पर, बी को सेंटर लेते हुए कंपास के नीडल को पॉइंट बी पर रखा है मैंने और 5 सेंटीमीटर खोल कर एक सेकेंड आर्क लगाई है। दोनों ही कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट सी पर, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, ज्वाइन डी टू सी, ज्वाइन डी टू सी एंड ए टू सी एंड बी टू सी, ए टू सी एंड बी टू सी, क्लियर है। इस तरह से ए बी सी डी इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जो भी हमें दिया हुआ था, जो भी मेजरमेंट्स दी हुई थी, उसकी हेल्प से अब हम ए बी सी डी ए क्वाड्रिलेटरल जो है वो ड्रॉ कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड कंडीशन है व्हेन 4 साइड्स एंड 1 एंगल आर गिवन। देखिए बच्चे, अगर किसी क्वेश्चन में आपको 4 साइड्स और कोई भी एक एंगल दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में आपको क्वाड्रिलेटरल जो है वो किस तरह से ड्रॉ करना है। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। देखिए, जो भी मेजरमेंट्स हमें दी हुई हैं, चाहे वो साइड्स की हो चाहे एंगल की हो, मिलाकर उसको एक हम रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने
लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरी मैंने रफ जो है वो एक डायग्राम बनाया हुआ है, जहाँ देखिएगा ए बी मुझे कितना दिया हुआ था 3.5 सेंटीमीटर, एंगल बी जो है मुझे कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। मैंने यहाँ पर कंपास के हेल्प से क्या किया है, 60 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ कर लिया है। क्लियर है। बी सी की जो मेजरमेंट मुझे दी हुई है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है, एंड सी डी जो मुझे दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, एंड एडी जो दिया हुआ है मुझे वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मैंने अपना एक रफ स्केच जो है वो ड्रॉ कर लिया है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं ए बी एक लाइन सेगमेंट एक रेखाखंड लूँगी जिसकी मेजरमेंट जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि एट बी यानी कि पॉइंट बी पर जो है वो मुझे कंस्ट्रक्ट करना है एंगल बी, जिसकी मेजरमेंट मुझे कितनी दी हुई है 60 डिग्री दी हुई है। देखिए मैं अपने कंपास के नीडल को पॉइंट बी पर रखते हुए और यहाँ से एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँगी, ठीक है, और उसको मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर के साथ उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है। देखिए विद बी एज द सेंटर, अब बी जब एक सेंटर है और रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो ड्रॉ एन आर एट सी। सी पर मैंने क्या किया है कि आर्क जो है वो ड्रॉ कर ली है, जिसकी मेजरमेंट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अब विद ए एज द सेंटर, अब ए जो है उसको आप एक सेंटर मानकर चलिए, ठीक है। अब क्या करना है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि मैं अब पॉइंट ए पर अपने कंपास के नीडल को रखते हुए और रेडियस 5 सेंटीमीटर जो है कंपास को ओपन करते हुए एक जो है वो आर्क जो है मैं ड्रॉ करूंगी। क्लियर है, ठीक है। अब पॉइंट सी को 4.5 सेंटीमीटर ओपन करते हुए एक आर्क जो है मुझे वो ड्रॉ करनी है, जो कहाँ का एक दूसरे को कट कर रही है पॉइंट डी पर। देखिए अब कंपास के नीडल को पॉइंट सी पर रखते हुए और अपने कंपास को 4.5 ओपन करते हुए मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगी, जो कि पॉइंट ए से, सेंटर ए से ड्रॉ की गई आर्क को बाइसेक्ट कर रही है। कहाँ बाइसेक्ट कर रही है पॉइंट डी पर, कहाँ बाइसेक्ट कर रही है पॉइंट डी पर। नाउ ज्वाइन ए टू डी एंड आल्सो सी टू डी। क्लियर है। ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी जो है वो एक रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर है, यानी कि जैसा भी हमें स्टेटमेंट में कहा गया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन थ्री साइड्स एंड टू इनक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। देखिए अगर किसी स्टेटमेंट में आपको कोई भी तीन साइड दी हुई हो और उसके साथ ही आपको कोई भी दो एंगल जो हैं वो दिए हुए हों, तो आप एक क्वाड्रिलेटरल किस तरह से ड्रॉ करेंगे। आइए एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। कंस्ट्रक्ट एक क्वाड्रिलेटरल बी ई ए आर इन विच बी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ई ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 90 डिग्री। देखिए हमें जो भी मेजरमेंट्स दी हुई हैं उसके साथ हम एक रफ स्केच जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ई ए 5 सेंटीमीटर लिया, पॉइंट ए पर मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, पॉइंट ई पर मैंने 60 डिग्री का एंगल बना दिया है, ठीक है, जिनकी मेजरमेंट्स मुझे यहाँ कितनी दी हुई है। देखिए बी मुझे कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड ए आर जो मुझे दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, एंड बी को मैं आर से क्या कर देती हूँ ज्वाइन कर देती हूँ। आइए इस रफ स्केच के बाद हम अपना क्वाड्रिलेटरल जो है वो ड्रॉ करते हैं। देखिए
we first draw a line segment BE 4 सेंटीमीटर. देखिए सबसे पहले मैं BE एक लाइन सेगमेंट लूंगी जिसकी मेजरमेंट जो है वो 4 सेंटीमीटर है. क्लियर है? अब आगे बढ़ूंगी एट पॉइंट ई ऑन द लाइन सेगमेंट BE. लाइन सेगमेंट BE के पॉइंट ई पर मैं एक एंगल BEA मेजरमेंट ऑफ 60 डिग्री ड्रॉ करूंगी. क्लियर है? अब टेकिंग ई एज द सेंटर, अब ई को मैं सेंटर मानते हुए अपने कंपास के नीडल को पॉइंट ई पर रखते हुए एंड EA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेते हुए एक रेडियस ड्रॉ करूंगी. क्लियर है? एक रेडियस EA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जो है मैं वो ड्रॉ करूंगी. आगे बढ़ते हैं. A पॉइंट A ऑन द EA लाइन, EA जो एक लाइन है उसके पॉइंट A पर मैं एंगल A जो है वो 90 डिग्री का ड्रॉ करती हूँ. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. टेकिंग A एज द सेंटर, अब A को सेंटर मानते हुए जो एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, A को अब सेंटर मानते हुए एक 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस लेते हुए मैं एक आर्क लगाती हूँ. क्लियर है? अब ज्वाइन ई ए ए आर, ठीक है, एंड आर बी. नाउ बी ई ए आर इज द क्वाड्रिलेटरल. क्लियर है? आपको बच्चे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखनी है. आप जैसे जैसे अपना क्वाड्रिलेटरल जो है वो ड्रॉ करते जाएंगे वैसे वैसे ही आप जो है इसकी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स जो हैं लिखते जाएंगे. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. आवर नेक्स्ट कंडीशन इज व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन. देखिए फिफ्थ कंडीशन है कि जब आपको 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल्स दिए हुए हों तो उस कंडीशन में आप कोई भी जो क्वाड्रिलेटर है वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे. देखिए स्टेटमेंट देखिए, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल पी इज इक्वल टू 120 डिग्री. देखिए सबसे पहले मैं एक रफ स्केच बना लूँगी यहाँ पर जो भी मुझे मेजरमेंट्स दी हुई हैं उसकी हेल्प से. मैंने यहाँ पर पी क्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर ले लिया है, पॉइंट पी पर 120 डिग्री एंड पॉइंट क्यू पर मैंने कंपास की हेल्प से 60 डिग्री का एंगल बना लिया है. अब क्यू से 5 सेंटीमीटर की रेडियस के एक आर्क लगाते हुए पॉइंट आर पर मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया है. ठीक है, इस तरह से मैंने पी क्यू आर ऐसे एक रफ स्केच बना लिया है. चलिए अब बनाते हैं. ठीक है, नाउ वी फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू 6 सेंटीमीटर. सबसे पहले मैं पी क्यू एक लाइन सेगमेंट ले रही हूँ जिसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है. कितनी है बच्चे, 6 सेंटीमीटर. अब मेक एंगल क्यू 60 डिग्री एंड एंगल पी इज इक्वल टू 120 डिग्री. कंपास की हेल्प से मैं 60 डिग्री एंड 120 डिग्री के एंगल जो है वो ड्रॉ कर लेती हूँ विद क्यू एज द सेंटर. क्यू को अब सेंटर मानते हुए आप क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर की रेडियस जो है वो ड्रॉ करेंगे एंड आर एट आर. देखिए क्यू को सेंटर मानते हुए आप जो है वो 5 सेंटीमीटर की जो है वो एक आर्क लगा देंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एट आर कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. अब पॉइंट आर पर जो है आप वो एक 90 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ करेंगे. ठीक है, जो कि आर एस जो है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट एस पर. ठीक है, देखिए अब आगे पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ.
देखिए सम स्पेशल केसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बच्चे हम बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, हमने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा है कि कुछ जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं सम स्पेशल होते हैं, स्पेशल होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, स्क्वायर हो गया है, पैरेललोग्राम हो गया है, ठीक है। देखिए इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पढ़ते हैं अच्छे से। रेक्टेंगल सबसे पहले है, रेक्टेंगल हमें बहुत अच्छे से पता है कि इस तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है कि इसके जो सभी एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इसका जो प्रत्येक एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है। और इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इक्वल लेंथ में होती हैं। जैसे कि पी क्या जो है वो एस आर के इक्वल है, पी एस जो है वो क्या आर के इक्वल है, एंड इट्स डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, और जो इसके जो डायगनल हैं वो एक दूसरे को जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं, ठीक है। सेकंड जो है क्वाड्रिलेटरल वो है हमारा रोम्बस, ठीक है। ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, रोम्बस जो होता है वो एक पैरेललोग्राम टाइप भी होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम जैसा होता है विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, जिसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और इसके जो डायगनल्स होते हैं, जिसके जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के यानी कि राइट एंगल पर जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पी क्यू आर एस एक रोम्बस जो है वो ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी जो है वो इसकी फोर साइड्स हैं जो कि इक्वल हैं, एंड क्यू एस एंड पी आर जो है इसके दो डायगनल्स हैं जो बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए पर। आप देख रहे हैं कि ओ पी इज इक्वल टू ओ आर एंड ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू। नेक्स्ट है स्क्वायर, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, जो एक स्क्वायर होता है वो एक तरह से एक रेक्टेंगल भी होता है, ठीक है, विथ ऑल इट्स साइड्स इक्वल, इसकी सभी जो साइड्स होती हैं वो क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। ए स्क्वायर हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल, एक स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सभी के सभी जो हैं वो एक स्क्वायर में भी होती हैं, ठीक है, एंड ऑल इट्स साइड्स हैव इक्वलनेस, और इसकी जो सभी साइड्स होती हैं वो इक्वल यानी कि बराबर लंबाई इसकी होती हैं, ठीक है। द डायगनल्स आर आल्सो ऑफ इक्वल लेंथ, और इसके जो डायगनल होते हैं वो भी किस जो हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, क्लियर है। देखिए एंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, और जब ये इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को तो वो कौन से पॉइंट पर कर रहे थे, राइट एंगल पर कर रहे। देखिए एम एन एन पी क्या यहाँ पर क्या है, एक स्क्वेयर है, हम देख रहे हैं कि एम एन एन पी पी क्यू एंड क्यू एन ये चारों के चारों साइड जो हैं वो इक्वल हैं, क्लियर है, और ये चारों के चारों यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल हैं। जब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के, ये दोनों के दोनों क्या है, इसके डायगनल हैं जो कि पॉइंट ओ पर जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पैरेललोग्राम, ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब देखिए कि ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, क्लियर है। यहाँ पर मैंने एक सिंबल दिखाया हुआ है, देखिए वो क्या है, इस तरह से मैंने दो लाइन पैरेलल दिखाई हुई है, साथ में लिखा हुआ है जी एन, इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम, क्लियर है। यहाँ पर इन इस डायग्राम्स के अंदर मुझे पता चल रहा है कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, एंड ए डी जो है वो किसके पैरेलल है बच्चे, बी सी के पैरेलल है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखिए ड्रॉ ए रोम्बस हूज डायगनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर, क्लियर है प्यारे बच्चों। आपको बहुत अच्छे अभी तक आपने क्या, अब तक आपने जो किया है कि कोई भी एक डायगनल दिया हुआ हो, फोर साइड्स दे रखी हो, टू एडजेसेंट साइड दे रखी हो, और थ्री एंगल दे रखे हो, या फिर चारों साइड दे रखी हो और कोई भी एक एंगल दे रखा हो, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें टू डायगनल्स दे रखे हैं,
तो इस कंडीशन में हम एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये जो स्पेसल जो क्वाड्रिलेटर हैं बच्चे, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें इनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से टिप्स पर हों, तभी पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो आप अच्छे से इनको याद करें और फिर इन क्वेश्चंस पर आप प्रैक्टिस करें। देखिए, सबसे पहले मैंने इन दोनों डायग्नल्स को लेके एक रफ स्केच बना लिया है। यहाँ पर मैंने ए सी जो है वो क्या ले लिया है, 6.4 सेंटीमीटर ले लिया है, ठीक है। और एक बी डी, यानी कि बी डी मैंने टोटल कितना ले लिया, 5.2 सेंटीमीटर ले लिया है। ज्वाइन ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि ड्रॉ ए सी इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब ड्रॉ एक्स वाई एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। अब एक्स वाई जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सेवन्थ क्लास में आपने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को डीपली समझा था, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आप अपने कंपास को लाइन सेगमेंट ए सी के आधे से ज़्यादा खोलकर, ठीक है, पॉइंट ए पर नीडल को रखते हुए अप एंड डाउन, ठीक है, दोनों ही तरफ जो है वो एक एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, क्लियर है। सेम है इस पॉइंट सी से, ठीक उतना ही आपका कंपास खुला होना चाहिए, आप सेकेंड आर्क लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से जो बाइसेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्लियर है। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे जो एक जो डायगनल दिया हुआ था वो तो दिया हुआ था 6.4 सेंटीमीटर, लेकिन जो सेकंड जो डायगनल है वो कितना है, 5.2 सेंटीमीटर। और एक रोम्बस की प्रॉपर्टी मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इसकी चारों की चारों साइड बराबर होती हैं, ठीक है। डायगनल जो हम वो बाइसेक्ट कर रहे होते हैं तो कहाँ कर रहे होते हैं, वो 90 डिग्री पर कर रहे होते हैं, राइट एंगल पर कर रहे होते हैं। अब जो सेकंड डायगनल है 5.2 सेंटीमीटर, उसको मैं टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इसको टू से डिवाइड कर लेती हूँ। टू टू जा 4, डेसिमल आएगा। अब कैरी 1 है, यहाँ से 2 साथ में लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, यानी कि 2.6। अब मैं क्या करती हूँ, टेकिंग ओ एस सेंटर। अब यहाँ पर इस ओ को सेंटर लेते हुए मैं मार्क एन आर्क ऑफ बी डी इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर एट ओ एक्स एंड ओ वाई, क्लियर है। दोबारा से समझिएगा कि 5.2 का हाफ कितना आया था, 2.6 आया था। अब मैंने ओ को सेंटर लेते हुए अपने कंपास के नीडल को जो है मैंने वो पॉइंट ओ पर रखा, उसको 2.6 ओपन करते हुए ओ एक्स पर एक आर्क लगाई है एंड ओ वाई पर भी एक आर्क जो है वो मैंने लगाई है, क्लियर है। देखिए, ज्वाइन ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। अब ए बी सी डी, ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रोम्बस, क्लियर है। प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर इनबॉक्स में अपना डाउट डालिए और मुझसे डिस्कस कीजिए, क्लियर है।